भाई माइक चालू नहीं करेगा है? एक मिनट सर 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 अभी चल रहा है नाजरीन, आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट। द लोकल जर्नलिस्ट की टीम इस वक्त मौजूद है फतेहपुर के इलाके में, जहां के आज मैं आपको बताता चलूं यूनिकॉर्न हॉस्पिटल एंड मेडिकल साइंसेस प्राइवेट लिमिटेड का इनॉग्रेशन किया गया है। और आज के प्रोग्राम में डॉक्टर्स की पूरी एक टीम मौजूद थी, बाबूलाल जी के जानिब से ये जो हॉस्पिटल जो बनवाए हैं बाबूलाल जी। आइए बात करेंगे अभी हम यहाँ के डॉक्टर की टीम से। सर सर क्या कहना चाहेंगे सर, आज के प्रोग्राम को लेकर क्या कहना चाहेंगे सर? सर आपका शुभ नाम सर? डॉक्टर दीपंकर सरकार। सर डॉक्टर दीपंकर सरकार, सर यूनिकॉर्न हॉस्पिटल बाबूलाल जी ने इनॉग्रेशन करवाया है, उन्होंने बनवाया, कितनी खुशी महसूस हो रही है सर आज? बहुत खुशी हो रहे हैं, इधर बहुत सारे लोग रहते हैं, सबको बाहर जाना पड़ता था ट्रीटमेंट के लिए, इमरजेंसी रात होता कोई भी टाइम में लोग को दौड़ना पड़ता था, छोटा मोटा चीज़ के लिए भी बाहर में आउटडोर में जाके दिखाना पड़ता था। तो ये अस्पताल अत्याधुनिक अस्पताल, सब कुछ सब फैसिलिटी है, मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल, इसको आउटडोर इनडोर जो फैसिलिटी है, अभी लोगों को 25 लाख से ऊपर लोग आसपास है, इनको बाहर जाना नहीं पड़ेगा। ये सभी सर्विस जो सर्विस बाहर बड़ा मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल में मिलता है वो इधर ही मिलेगा। सर देखा गया है जिस तरह से 200 बेड का अरेंजमेंट, और उसमें जो सर चाइल्ड जो स्पेशलिटी वार्ड जो है सर, बताया जा रहा है कि 8 माह के बच्चे के लिए भी इंटेंसिव केयर यूनिट है सर, तो डॉक्टर दीपंकर सर कैसे देखते हैं सर आप इसको? ये तो हम तो बोलेंगे क्या, साउथ कोलकाता 24 परगना में इतने अच्छा यूनिट नहीं है। हम विचलित रहते हैं जब डिलीवरी होता है, घर में सभी लोग चिंतित रहते हैं, आजकल माँ भी थोड़ा एज ज़्यादा होता है किसी फैमिली में, सो माँ के लिए भी ये सेफ है, इतना अच्छा ICU है, ऑपरेशन थिएटर है, 6 ऑपरेशन थिएटर है, और बच्चे को भी ऊपर वाला ना करे, कभी होता है अर्ली डिलीवरी हो जाता है ना, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होता है, बहुत सारे बच्चा पैदा होता है ऊपर वाला का मर्जी कुछ प्रॉब्लम लेके पैदा होता है, तो 800 ग्राम का जो बच्चा है 27 वीक्स में जो पैदा हुआ उसको भी बचा सकते हैं हम इधर, ये सारे फैसिलिटी, वो बच्चा 1 kg से नीचे बच्चा के लिए भी वेंटिलेशन का फैसिलिटी ऑपरेशन का फैसिलिटी अस्पताल में है। हम तो नहीं जानते हैं, हम इतने सारे अस्पताल जाते हैं कलकत्ता में, कोई अस्पताल 1-2 छोड़ के तो ऐसा फैसिलिटी नहीं है। सो आई एम वेरी प्राउड ऑफ दिस फैसिलिटी, और लोग को बाहर जाना नहीं पड़ेगा, और दिस इज़ वेरी प्राइस सेंसिटिव ऑल्सो, इट सुविधा है, इधर खर्चा कम होगा, बाहर जितना खर्चा होगा वो 1/3 खर्चे में सब कुछ हो जाएगा, और जो मैनेजमेंट है वो भी चाहते हैं कुछ करे लोग के लिए, ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इट इज़ ट्रू बट दे हैव ए डिफरेंट विजन, ये चाहते हैं कि सभी को ट्रीटमेंट यहीं पर हो, जो जो देना दे पाए उसका भीतरी हम लोग एडजस्ट करेंगे। डॉक्टर साहब मेरा एक सवाल होगा सर आपसे, अल्लाह और भगवान के बात कहते हैं कि डॉक्टर है जो जो जिन जिनकी कोशिश होती है, जिनको आप बड़ी स्ट्रगल करके आप डॉक्टर बनते हैं सर, और फिर मरीज़ जब सर आपके करीब आता है बीमारी की हालत में आता है, आप उसको जिस तरह से सर मोहब्बत से उनकी ट्रीटमेंट करते हैं सर, और जब उसके चेहरे पर खुशी देखते हैं तो दीपंकर साहब कितनी खुशी महसूस होती है सर ये बताएं? बहुत खुशी महसूस होता है, लगता है क्या इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता है। हम तो पर्सनली हम बिलीव करते हैं एक फैमिली को कुछ उपकार कर सके तो मेरा पढ़ना सार्थक है। एक फैमिली रेगुलर तो 30-50 पेशेंट देखते हैं, लेकिन ये बड़ी बात है, ये ऊपर वाला हम लोग को देखे कराता है, तो हम लोग क्या जानते हैं, ये शरीर के बारे में जानते हैं बहुत कम, लेकिन जो जानते हैं वो अप्लाई कर पाए तो ये बड़ी बात है, वो फैमिली के लिए खुशी की बात है। सर आप कौन से इसके डॉक्टर हैं सर? हम सर्जरी जो जनरल सर्जरी लैप्रोस्कोपी बोलते हैं, जो माइक्रो सर्जरी बोलते हैं, वो सर्जरी हम करते हैं। सर द लोकल जर्नलिस्ट की टीम के साथ बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये दीपंकर सर हैं, और बेस्ट विशेष के साथ बाबूलाल सर को ये मुबारकबाद देते हैं कि इन्होंने जो कदम उठाया है ये सिर्फ एक इंसानियत के नाते ही एक आदमी कदम उठा सकता है। इंसान जब तक दुनिया में जिंदा है, सांस है तो आस है, और इंसान जब तक जिंदा है वो दूसरों के चेहरे पर खुशी लाकर ही खुश रह सकता है, ताकि वो यहाँ भी ये जिंदा जिंदगी में भी खुश रहे और मरने के बाद भी लोग उसको याद करें। पल पल की अपडेट्स के लिए आप बने रहें द लोकल जर्नलिस्ट के साथ। मैं शमशुद्दीन कदकजा से बहुत बहुत शुक्रिया।
दीपंकर सर बहुत अच्छा बोले सर। सर आपका नंबर दे दीजिए मुझे सर। सर पेन जरा सा दीजिए ना सर। मैं कहा